क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, रेलवे मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड ने हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो है एग्जाम जो है डेट घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही जिन विद्यार्थियों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम दिया था उसकी रिजल्ट भी जो है डेट घोषित कर दी है। तो इन्होंने कहा है कि सीबीटी 1 परिणाम व सीबीटी 2 अनुसूची पर सूचना 1 इन्होंने जारी की है, जो कि 2019 की जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो बात करते हैं इन्होंने क्या कहा नोटिफिकेशन के अंदर। प्रथम चरण का कंप्यूटर आधारित परीक्षण सीबीटी 1 जो है 7 चरणों में करवाया गया था, जो कि 28 दिसंबर से 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक जो एग्ज़ाम चले थे। जिन विद्यार्थियों ने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो वो अपना जो है रिजल्ट अपडेट घोषित कर दी गई उस डेट के अंदर देख लीजिए, और सीबीटी जो है 2 की तैयारी करें तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली इंडिया व इंटरनेशनल जो है करंट अफेयर्स मिलता है, डेली जो क्लास आपको मिलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जिस प्रकार रिजल्ट जारी किया जाएगा या सीबीटी एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाएगा। दो नंबर बात करें, प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 1 का परिणाम अभी जारी है। प्रक्रिया और परिणाम 15 जनवरी 2022 तक आरआरबी की अधिक जो है वेबसाइट होती है, आरआरबी की वेबसाइट पर जाओगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीन नंबर, इन्होंने कहा है कि सीबीटी 1 में शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवारों के लिए द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी 2 परीक्षा अस्थायी रूप से निर्धारित है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मद्देनजर समय समय पर जारी मौजूदा परिस्थितियों और सरकारी दिशा निर्देशों के अधीन 14 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। अब जो विद्यार्थी एनटीपीसी सीबीटी जो तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम है 14 से 18 फरवरी 2022 में होगा, ये ध्यान रख लेना। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आगे की बात करें, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर, यानी आपको आरआरबी जो है वेबसाइट के ऊपर ही नोटिफिकेशन देखना है, अन्य किसी फर्जी वेबसाइट पर नहीं जाना है। और ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 5/12/2021 का नोटिफिकेशन है, जिसमें रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि हम क्या है एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है रिजल्ट जारी करेंगे और एनटीपीसी सीबीटी 2 जो स्टेज है उसका जो है एग्ज़ाम करवाएंगे, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घोषणा होने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको डेली इस प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर प्लस महिला बाल विकास के मॉडल टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उन मॉडल टेस्ट को देखिए, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी आ सके एग्जाम में उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, और महिला बाल विकास के तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं आराम से, क्योंकि जो विद्यार्थी एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए स्पेशल है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।